कैसे हो बच्चों? अपने लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी बेटा पीएच ऑफ डिफरेंट टाइप सॉल्यूशंस एंड उसके क्वेश्चंस हमने कंप्लीट किए थे बेटा। क्लियर? यहां तक बात समझ में आई थी? चलो आगे बात करते हैं बच्चों। हेडिंग लिखो सॉल्युबिलिटी यानी एस एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के एस पी। क्या कहा? सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट एस एंड के एस पी। सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट एस एंड के एस पी। सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट एस एंड के एस पी। लिखिए बच्चों हेडिंग। चलो बात करते हैं बच्चों, देखो क्या होता है कैसे होता है। अपने क्या कहा? सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट यानी एस एंड के एस पी। क्या होता है बच्चों सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के लिए? द मोलरिटी ऑफ लेस सॉल्युबल, मोलरिटी ऑफ लेस सॉल्युबल और स्पेरिंगली सॉल्युबल। एक यहां पर वर्ड यूज करते हैं बेटा, क्या कहा? स्पेरिंगली सॉल्युबल। स्पेरिंगली सॉल्युबल का मीनिंग क्या होता है? जो लेस सॉल्युबल होते हैं, जिनके सॉल्युबल डिसॉल्व होने की टेंडेंसी कम होती है। क्लियर? तो क्या कहेंगे? द मोलरिटी ऑफ लेस सॉल्युबल इलेक्ट्रोलाइट इज कॉल्ड एज ए सॉल्युबिलिटी। ओके, एक स्टेटमेंट लिखो बेटा, लिखो द मोलरिटी ऑफ लेस सॉल्युबल, और ब्रैकेट में ये वर्ड लिखो बच्चों, स्पेरिंगली सॉल्युबल। द मोलरिटी ऑफ लेस सॉल्युबल ऑब्लिक स्पेरिंगली सॉल्युबल इलेक्ट्रोलाइट। The molarity of less soluble or sparingly soluble electrolyte is called solubility. The molarity of less soluble or sparingly soluble electrolytes is called solubility. ओके इसका मतलब क्या कहेंगे बच्चों? जो मोलरिटी होती है उसी को हम क्या कहते हैं? सॉल्युबिलिटी कहते हैं। तो इसका मतलब जो मोलरिटी का फॉर्मूला होगा, यूनिट होगा, वही क्या होगा? सॉल्युबिलिटी का फॉर्मूला और यूनिट होगी। ओके तो क्या कह सकते हैं? सॉल्युबिलिटी इसका सिंबल होता है एस, वो क्या होगा? किसके इक्वल बच्चों? मोलरिटी के इक्वल। और मोलरिटी का फॉर्मूला ध्यान है ना, मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन ए 1 लीटर सॉल्यूशन, यानी मोल्स अपॉन ए क्या लिखेंगे? वॉल्यूम। क्लियर? ठीक है, मोल हमें पता है बच्चों क्या होता है? वेट अपॉन ए मोलर मास। और अगर बाय द वे वॉल्यूम अगर एमएल में है तो वीएमएल मल्टीप्लाई बाय क्या करेंगे? 1000। क्लियर? ये अपने पास क्या आ गया? सॉल्युबिलिटी का फॉर्मूला जो बार बार अपने काम आएगा। क्लियर? ठीक है, और अगर अपन बात करें बेटा इसकी यूनिट की, तो यूनिट के लिए क्या कहेंगे? जो मोलरिटी का फॉर्मूला होता है वही इसका फॉर्मूला, तो मोलरिटी की यूनिट वही इसकी यूनिट हो जाएगी। तो इसकी यूनिट भी अपन क्या लिख सकते हैं? मोल पर लीटर। क्लियर? ये इसकी यूनिट हो गई। और अपने कहा लेस सॉल्युबल, एक बात तो श्योर है, तो सॉल्युबिलिटी की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? बहुत कम होगी बच्चों। क्लियर? तो अपन क्या कह सकते हैं? जनरली जो एस की जो वैल्यू होती है, तो क्या लिखेंगे? जनरली इसकी जो वैल्यू होती है सॉल्युबिलिटी की, वो क्या होगी? इक्वल और लेस देन 10^-2 मोल पर लीटर। यानी जनरली इसकी वैल्यू ऑलमोस्ट इतनी होती है बच्चों। बात समझ में आई? क्लियर? नोट करो फटाफट। चलो यहां तक बात समझ में आई बच्चों?
ठीक है, तो सोल्युबिलिटी का मतलब क्या होता है, इसका फॉर्मूला और इसकी यूनिट क्या होते हैं बेटा, क्लियर? ठीक है, अब अपन बात करें बेटा सोल्युबिलिटी एंड सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट के बारे में, तो यहां पर कुछ वर्ड बार बार काम आएंगे, तीन वर्ड खास कर ध्यान रखना, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड। मैंने क्या कहा, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, तीन टाइप के सॉल्यूशन है, बार बार यहां पर बच्चों ये वर्ड काम आएंगे, क्लियर? इनका मीनिंग क्या होता है समझना बच्चों। नॉर्मली हम बात करें, जैसे मान लो कोई सॉल्यूशन होता है या मिक्सर होता है, हेलो हेलो आवाज आ रही है बच्चों, आवाज आ रही है क्या, हेलो हेलो आवाज आ रही है, हेलो, ठीक है बेटा। तो अपन क्या कहेंगे, जैसे बार बार बेटा तीन वर्ड बार बार यहां पर यूज होंगे, क्या, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड, इनका मीनिंग क्या होता है, बात करते हैं। नॉर्मली हम बात करते हैं जैसे क्या, कोई सॉल्यूशन होता है या मिक्सर होता है, वो किससे बना होता है, दो कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, ओके। मोल में मैंने थोड़ा हिंट भी आपको दिया था, क्या कहा, यानी कोई भी सॉल्यूशन या मिक्सर होता है वो मेनली क्या होता है, दो कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, एक क्या होता है सॉल्यूट, दूसरा क्या होता है सॉल्वेंट, ओके। तो क्या कहेंगे बच्चों, यानी क्या बोला मैंने, सॉल्यूट, सॉल्यूट और दूसरा क्या होता है बेटा, सॉल्वेंट, ओके, यानी सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट की अगर अपन बात करें तो बच्चों इन दोनों के मिलने से क्या होता है, मेनली तीन टाइप के सॉल्यूशन का फॉर्मेशन होता है, ओके। पहला सॉल्यूशन तो क्या होता है बच्चों, अनसैचुरेटेड, क्या कहा, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, पहले सॉल्यूशन को मैंने क्या बोला है, अनसैचुरेटेड, क्लियर, ठीक है। दूसरा क्या होता है बेटा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है, क्या कहा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और तीसरा क्या होता है बच्चों, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, क्या कहा, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, क्लियर, ठीक है। ट्वेल्थ में जो सॉल्यूशन चैप्टर होता है उसमें इनके बारे में डिटेल से पढ़ते हैं, लेकिन यहां पर ये बार बार ये नाम आएंगे बेटा, तो आपको आइडिया होना चाहिए इनका मीनिंग क्या है, ओके। क्या कहा, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, यानी दो कंपोनेंट को आपस में मिलाते हैं, तो मेनली सॉल्यूशन तीन टाइप के होते हैं, अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड, क्लियर। इनको इजी वे में समझने के लिए बेटा अपनी देसी लैंग्वेज में समझो, जैसे अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, इसका मतलब क्या होता है, बिना धापा हुआ, अरे धापा धापा समझते हो क्या बेटा, ठीक है, ये कैसा होता है, बिना धापा हुआ सॉल्यूशन, क्लियर, ये कैसा होता है, धापा हुआ सॉल्यूशन, सैचुरेटेड वाला, और ये कैसा, सुपर सैचुरेटेड, धापे से ज्यादा धापा हुआ बेटा, ठीक है। आप कहोगे सर कैसे, तो इजी वे में समझो बेटा, अगर मान लो क्या, आपको 10 चपाती की डिमांड है, क्लियर, 10 चपाती की डिमांड है, तो बच्चों आपको अगर 5 ही मिली, 5 ही मिली तो क्या होगा, अरे घर में दंगे हो जाएंगे ना बेटा, ठीक है, पूरा घर ऊपर नीचे हो जाएगा। कहने का मतलब क्या, डिमांड कितनी थी, 10 चपाती की थी, लेकिन आपको कितनी मिली, 5 मिली बेटा, काम हो गया क्या, नहीं, आधा भी नहीं हुआ ऑलमोस्ट बच्चों, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या, अनसैचुरेटेड वाली कंडीशन है जिसमें ओवर डिमांड है अभी तक, क्लियर, ठीक है। सैचुरेटेड, सैचुरेटेड का मतलब क्या, मैंने बोला धापा हुआ, आपको 10 चपाती की डिमांड है, आपको 10 की 10 मिल जाए तो काम हो जाएगा ना, आपको कहोगे सर एक दो और चल जाएगी, वो अलग बात है बेटा, लेकिन मान सकते हैं अगर 10 की डिमांड थी, 10 चपाती मिल गई तो काम हो गई, ये कौन सी कंडीशन है, सैचुरेटेड वाली, क्लियर। थर्ड कंडीशन है बेटा सुपर सैचुरेटेड, यानी जो नॉर्मल लाइफ में आप डेली दिन में दो तीन बार फेस करते हो बेटा, क्लियर, आपको 10 चपाती की डिमांड थी, आपने स्टडी का, टीचर का सारा फ्रस्ट्रेशन है मैथ्स पे डाल दिया बेटा, ठीक है, तो क्या होगा, सारा फ्रस्ट्रेशन आपने वहां झाड़ दिया और आपने 10 चपाती की जगह जो जोश में क्या दिया, 15-20 शेप दी बेटा, क्लियर, वो कौन सी कंडीशन है, सुपर सैचुरेटेड वाली कंडीशन, और इसमें काफी आपको प्रॉब्लम भी फेस करनी पड़ती है, आपको पता ही है, सॉल्यूशन में भी सेम टू सेम कंडीशन है। तो मेरा कहने का मतलब क्या बेटा, मैंने इजी वे में क्या कहा बेटा, अनसैचुरेटेड वाली कंडीशन क्या है, ये जितनी डिमांड है उससे कम, सैचुरेटेड वाली कंडीशन क्या है, जितनी डिमांड है उसके बराबर, और सुपर वाली कंडीशन क्या है, अपने विशाल और अंकित वाली कंडीशन बेटा, बात समझ में आएगा, 10 की जगह 15 या 20 पर बात करना सीधी बच्चों, ठीक है। अब बात करिए सॉल्यूशन के रेस्पेक्ट में, बात करिए इजी वे में समझने के लिए बच्चों, कैसे, ये मान लो सपोज करो 1 लीटर वाटर है, सपोज करो बेटा, है नहीं, लेकिन 1 लीटर वाटर के अकॉर्डिंग मैं बात करूं, अब हमें पता है अगर हम इसमें कोई सॉल्यूट को डिसॉल्व करें बेटा, ठीक है, मिक्स करें, तो हमें पता है ये 1 लीटर वाटर, इसमें कोई भी सॉल्ट या शुगर आपने ऐड किया, तो जरूरी है क्या 1 लीटर वाटर में आप कितनी भी शुगर या सॉल्ट ऐड करते जाओगे तो वो इसमें मिक्स होता जाएगा, नो, हमें पता है इस 1 लीटर वाटर की एक फिक्स लिमिट है या नहीं है, अपन समझने के लिए मान रहे हैं, सपोज करो ये 100 ग्राम शुगर या सॉल्ट को मैक्सिमम ये डिसॉल्व कर सकता है, इससे ज्यादा शुगर या सॉल्ट को हमें डिसॉल्व करना है, तो हमें वाटर और ज्यादा लेना पड़ेगा, क्लियर,
अपन समझने के लिए क्या मान रहे हैं कि 1 लीटर वाटर है ये मैक्सिमम कितना कर सकता है बेटा, 100 ग्राम सॉल्यूट यानी सुगर या सोल्ट को डिजोल्व कर सकता है, क्लियर। अब मैंने क्या किया, 1 लीटर वाटर में मैंने 10 ग्राम सुगर एड की है, तो क्या करेंगे, 10 ग्राम हो, 20 ग्राम हो, 50 ग्राम हो, 90 ग्राम हो, 99 ग्राम हो, ये कैसी कंडीशन होगी, इस कंडीशन में अनसेचुरेटेड का फॉर्मेशन होगा, क्योंकि ये मैक्सिमम कितने डिजोल्व कर सकता है, ये 100 ग्राम मैक्सिमम डिजोल्व कर सकता है, तो क्या कहेंगे, 100 से लेस वाली कंडीशन वो तो कौन सी होगी, अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन वाली कंडीशन होगी, क्लियर। एग्जैक्ट 100 के ऊपर क्या होगा, सेचुरेटेड वाली कंडीशन होगी, क्लियर। और 100 से ज्यादा अगर ऐड कर दे, 101 हो, 10 हो, 20 हो, 150 ग्राम हो, कितनी भी हो बेटा, वो कौन सी होगी, सुपर सेचुरेटेड वाली कंडीशन होगी, वो डिजोल्व हो या नहीं हो इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन हमने ऐड तो कर दी, वो कौन सी कंडीशन होती है, सुपर सेचुरेटेड वाली कंडीशन होती है, क्लियर। तो मेरा कहने का मतलब क्या बेटा, ये बार-बार तीन नाम काम में आएंगे, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड, इनका मीनिंग क्या है, समझ में आया, क्लियर। अनसैचुरेटेड के लिए अपन क्या कह सकते हैं, द सॉल्यूशन इन विच सम मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व इन सॉल्वेंट, क्लियर। अरे सीधी सी बात है, जो डिसॉल्व होता है वो सॉल्यूट होता है, जो डिसॉल्व करता है वो सॉल्वेंट होता है। फॉर एग्जांपल शुगर एंड वाटर के मिक्सर की बात करें तो शुगर सॉल्यूट है और वाटर क्या है, सॉल्वेंट, क्लियर। तो वो सॉल्यूशन जिसमें और सॉल्यूट ऐड कर सकते हैं, सॉल्वेंट के अंदर मिक्स कर सकते हैं, डिसॉल्व कर सकते हैं, वो कौन सा, अनसैचुरेटेड। जैसे अंकित ने कहा था सर 5 ही है, 10 ही है, तो और आने दो, वो कौन सी है, अनसैचुरेटेड वाली कंडीशन, क्लियर। सैचुरेटेड, सैचुरेटेड में क्या होगा, जितनी डिमांड थी उसके बराबर होना, यानी और ज्यादा सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं कर सकते बेटा, वो कौन सा होगा, सैचुरेटेड। इसमें क्या कहेंगे, जितना मैक्सिमम डिसॉल्व हो सकता उसे ज्यादा ऐड कर देना, वो कौन सा होगा, सुपर सैचुरेटेड वाली कंडीशन होगी। समझ में आ गया, यस और नो, क्लियर। नोट करो बेटा, पहले ये लिखो, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू 3 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, क्या रहे अंकित, भूख लगने लगी क्या, सर मुझे 15 चपाती की डिमांड है बेटा, पता ही था तेरा तो मुझे, लो वॉइस प्रॉब्लम, जतिन कान मोबाइल की तरफ कर बेटा, नोट हो गया, क्या बात है मुकेश, ठीक है, चलो बेटा लिखो, इनका मीनिंग क्या होता है, लिखो इसके नीचे पॉइंट टू पॉइंट, लिखो लिखो, द सॉल्यूशन इन विच The solution in which some more amount of solute, the solution in which some more amount of solute cannot be dissolved in solvent called as unsaturated solution, cannot be वाला कौन सा होगा, unsaturated या कौन सा, saturated वाला, क्या कहा, the solution in which some more amount of solute cannot be dissolved in solvent called as saturated solution, cannot बोला है बेटा, खास कर ध्यान रखना, the solution in which some more amount of solute cannot be dissolved in solvent called as saturated solution, यानी saturated हो चुका है, अब और ज्यादा dissolve नहीं कर सकते, लिख लिए, नेक्स्ट लिखो, the solution in which some more amount of solute can be dissolved in solvent
can be dissolved in solvent called as unsaturated solution. Called as unsaturated solution. Third, likho the solution in which the added amount of solute, the added amount of solute, the added amount of solute is greater, the added amount of solute is greater, which is required for saturation, which is required for saturation, the added amount of solute is greater, which is required for saturation, is called supersaturated solution. Yani dissolve hoga ya nahi hoga iski guarantee nahi hai, aapne add to kar diya. The solution in which the amount of solute added in solvent is greater, which is required for a saturation, called as supersaturated solution. Called as supersaturated solution. Clear? Baat samajh mein aayi bachcho? नंदू का क्या मैसेज आया है कि सर मुझे 5 चपाती चाहिए, तो बेटा तू तो 10 और 15 वाली ट्राई भी मत कर लेना, प्रॉब्लम हो जाएगी बेटा रे, ठीक है? चलो बेटा, तो बात करते हैं क्या करना है, कैसे करना। तो ये तो अपने बात की सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड, क्लियर? ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, अपने पॉइंट पर आते हैं, सॉल्युबिलिटी पर। सॉल्युबिलिटी को ध्यान रखना बेटा, हमेशा क्या करते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन के रेस्पेक्ट में रिप्रेजेंट करते हैं। मैंने क्या कहा, सॉल्युबिलिटी को हमेशा किसके रेस्पेक्ट में, सैचुरेटेड सॉल्यूशन के रेस्पेक्ट में रिप्रेजेंट करेंगे। आप कहोगे सर क्यों, क्योंकि हमें पता है, यानी सैचुरेटेड सॉल्यूशन जो होता है वो तीन टाइप की जो कंडीशन है, अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड, इन क्या करेंगे, तीनों में बीच की कंडीशन है बेटा। कैसे, सैचुरेटेड वाले पॉइंट पर क्या होता है, इससे ज्यादा और डिसॉल्व नहीं हो सकता, और इससे कम वाले पॉइंट पर और डिसॉल्व हो सकता है, लेकिन ये दोनों के बीच की कंडीशन है, यानी एक फिक्स पॉइंट आ गया। इससे कम वाली कंडीशन है तो उस पे और डिसॉल्व होता जाएगा, इससे ज्यादा वाली कंडीशन है तो किसी भी हाल में डिसॉल्व नहीं होगा, और ये क्या, ये वो पॉइंट है जहां पर मैक्सिमम डिसॉल्व हो सकता है, इससे ज्यादा और डिसॉल्व नहीं होगा। आ गया समझ में? तो अपन जो सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं बेटा, वो किसके रेस्पेक्ट में स्टडी करेंगे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन के रेस्पेक्ट में। क्लियर? ठीक है बेटा, लिखो स्टेटमेंट, द सॉल्युबिलिटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, द सॉल्युबिलिटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज डिफाइंड, द सॉल्युबिलिटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज डिफाइंड ऑलवेज, the solubility of an electrolyte is always defined for saturated solution, the solubility of an electrolyte is always defined for a saturated solution, यानी हमेशा सैचुरेटेड की कंडीशन में हम इसे डिस्कस करेंगे। तो बार बार ये नाम आए, अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड, क्लियर? इसलिए मैंने आपको इनका मीनिंग बताया था, क्लियर? ठीक है बेटा, बात करते हैं, देखो जैसे इसने बोला है उसी के अकॉर्डिंग बात करते हैं। कैसे, ये मान लो कोई इलेक्ट्रोलाइट है ए बी, ठीक है, इसको अपन क्या कर रहे हैं बच्चों, अगर मैं वाटर में डिसोल्व कर लूं तो ये क्या बनेगा, ए प्लस एक्वस, और क्या करेंगे बच्चों, बी माइनस एक्वस, क्लियर? ठीक है, इसके अकॉर्डिंग मैं बात करूं, जैसे इसके लिए कांस्टेंट लिखूं तो हमें पता है के आयन आयनाइज हो रहा है, जैसा प्रोसेस वैसा ही कांस्टेंट आयनाइज हो रहा है, तो के आयन हमें पता है के हमेशा क्या होता है, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, ए प्लस बी माइनस अपॉन क्या करेंगे बच्चों, ए बी, क्लियर? ठीक है, मैंने क्या कहा, ए प्लस बी माइनस अपॉन क्या हो जाएगा बच्चों, ए बी हो जाएगा, क्लियर? अब इसके अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं बच्चों, तो अपन क्या कह सकते हैं, हमें पता है अपन जो इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं सॉलिड फॉर्म में लेते हैं, तो इसकी कंसंट्रेशन क्या होगी, कांस्टेंट, क्या कहा, इसकी कंसंट्रेशन क्या होगी बच्चों, कांस्टेंट। ये अगर कांस्टेंट है तो हमें पता है इसका एक्टिव मास क्या होगा, 1, क्लियर? क्योंकि सॉलिड और एक्सिस स्पीशीज का एक्टिव मास क्या लेते हैं, 1, केमिकल इक्विलिब्रियम स्टडी की थी, याद है ना? तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं, 1 लिख सकता हूं, तो मेरे पास क्या हो गया बच्चों, के आयन, के आयन इज इक्वल टू क्या हो गया, ए प्लस की कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई बाई बी माइनस की कंसंट्रेशन। बात समझ में आ गई, क्लियर? ये तो नॉर्मल सी बात है,
अब हम बात करते हैं जिसकी हमें स्टडी करनी है, ठीक है बेटा। क्या कहा? इन कंडीशन ऑफ सैचुरेशन। क्या कहा? कौन सी कंडीशन की बात कर रहा है? इन कंडीशन ऑफ सैचुरेशन। यानी सैचुरेशन की अगर हम बात करें तो सैचुरेशन पॉइंट पर क्या होता है बच्चों? ये जो के आयन होता है इसी को लिखा जाता है KSP। क्या कहा? अरे जो जब मान लो सैचुरेशन पॉइंट आ जाता है, सैचुरेशन की कंडीशन आ जाती है, उस पॉइंट पर जो के आयन होता है उसी को क्या बोल दिया जाता है? KSP बोला जाता है बेटा। क्लियर? ठीक है। तो आप कहोगे सर इन दोनों का मीनिंग क्या है? तो ये जरूर ध्यान रखना, के आयन का मतलब क्या है रे? आयनाइजेशन कांस्टेंट। क्या कहा? इसका मतलब क्या है? आयनाइजेशन कांस्टेंट। और इसको और क्या बोलते हैं बेटा? आयोनिक प्रोडक्ट। क्या कहा? आयनाइजेशन कांस्टेंट या आयनिक प्रोडक्ट बेटा। क्लियर? ठीक है। और जो केएसपी होता है इसको क्या बोलते हैं? सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। क्या कहा? सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। बात समझ में आ गई? क्लियर? तो मैंने क्या कहा? यानी सैचुरेशन की कंडीशन में जो के आयन होता है उसी को लिख दिया जाता है केएसपी। क्लियर? तो क्या लिख सकते हैं? के आयन की जगह अगर मैं केएसपी लिख दूं तो केएसपी बराबर क्या हो गया? ए प्लस की कंसेंट्रेशन मल्टीप्लाई बाई बी माइनस की कंसेंट्रेशन। समझ में आया बच्चों? क्लियर? ठीक है। अरे ये क्या है? कंसेंट्रेशन या मोलरिटी, और मोलरिटी को तो हम क्या बोलते हैं यहां पर? सोल्युबिलिटी। क्लियर? तो देख सकते हो सेचुरेशन की कंडीशन में, यानी सेचुरेटेड सॉल्यूशन के लिए सेचुरेशन की कंडीशन में जो आयंस होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट के आयंस होते हैं, उनकी कंसेंट्रेशन मोलरिटी सोल्युबिलिटी का जो प्रोडक्ट होगा उसी को बोलते हैं सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट। यानी कंसेंट्रेशन यानी सोल्युबिलिटी का जो मल्टीप्लाई होगा उनका प्रोडक्ट फाइनली अपन क्या बोलेंगे? उसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट बोल देते हैं, केएसपी बोल देते हैं। समझ में आ गया? क्लियर? तो क्या कहा? के आयन सैचुरेशन पॉइंट पर बात करते हैं तो के आयन को ही केएसपी लिख देते हैं। आप कहोगे सर इससे क्या फायदा होगा? इससे फायदा यह है, अगर हमने के आयन को केएसपी की फॉर्म में लिख दिया तो हमें पता चल जाता है अब हम किसकी बात कर रहे हैं, यानी सैचुरेशन पॉइंट की बात कर रहे हैं। समझ में आ गया? क्लियर? नोट करो बेटा। अंकित अभी तो 20 चपाती चलेगी बेटा, लॉकडाउन में कंट्रोल रखना थोड़ा सा, ठीक है। जितना तो चपाती के लिए वही बात है, मैडनेस दिखा रहा बेटा, वैसी मैडनेस कैरियर के लिए और स्टडी के लिए दिखाना, ठीक है, ना कि सिर्फ खाने के लिए। कर लिए बच्चों नोट? कर लिए क्या? चलो लास्ट में इसकी डेफिनेशन लिख लो। यहां पर क्या लिखेंगे? इन कंडीशन ऑफ सैचुरेशन, इन कंडीशन ऑफ सैचुरेशन, इन कंडीशन ऑफ सैचुरेशन द प्रोडक्ट ऑफ, इन कंडीशन ऑफ सैचुरेशन द प्रोडक्ट ऑफ, द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, इन कंडीशन ऑफ सैचुरेशन द प्रोडक्ट और द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन और सॉल्युबिलिटी ऑफ आयंस, द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन और सॉल्युबिलिटी ऑफ आयंस इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। क्लियर?
ठीक है बच्चों, अब बात करें सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट जो KSP होता है इसके बारे में बात करें तो क्या कह सकते हैं, जो KSP होता है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट होता है वो किसी इलेक्ट्रोलाइट का क्या होता है बच्चों, स्पेसिफिक कांस्टेंट होता है। मैंने क्या कहा, स्पेसिफिक कांस्टेंट होता है, कैरेक्टरिस्टिक कांस्टेंट्स होता है। इसका मतलब क्या, सभी इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए क्या होगा, इसकी वैल्यू सेम होगी क्या, नहीं बच्चों, डिफरेंट डिफरेंट होगी, ठीक है। और ये क्या होता है, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है और क्या करेगा, रिएक्शन के नेचर पर भी डिपेंड करेगा। ओके, आपको हो गया सर कैसे, एक स्टेटमेंट लिखो बेटा, फिर इस बात को समझते हैं कैसे। लिखो KSP, एक स्टेटमेंट लिखो KSP, KSP इज ए कैरेक्टरिस्टिक कांस्टेंट ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, KSP, KSP इज ए कैरेक्टरिस्टिक कांस्टेंट ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, KSP इज ए कैरेक्टरिस्टिक कांस्टेंट ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, KSP is a characteristic constant of an electrolyte which depends on temperature and nature of reaction। जो टेम्परेचर और रिएक्शन के नेचर पे डिपेंड करता है। ओके, कैसे करता है समझना बच्चों, देखो फॉर एग्जांपल जैसे अपन ने बात की थी ये कोई इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है, इसके लिए अपन ने कहा था जब हमने इसको वाटर में डिसोल्व किया तो ये क्या करता है रे, ए प्लस एक्वस और क्या करता है बी माइनस एक्वस, क्लियर, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो क्या लिखेंगे, KSP, KSP अपन ने क्या लिखा था, ए प्लस की कंसेंट्रेशन मल्टीप्लाई क्या होता है बी माइनस की कंसेंट्रेशन, क्लियर। देखो क्या कहा, विच डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर एंड नेचर ऑफ रिएक्शन, इसका मीनिंग क्या है, हमें पता है टेम्परेचर के बेसिस पे बात करें तो रिएक्शन दो टाइप की होती है बच्चों, एक्सो और एंडो। आपको हो गया सर एक तीसरी नाइदर वाली कंडीशन भी तो होती है, बिल्कुल बेटा होती है, लेकिन मेनली यहां पर एक्सो और एंडो को ही कंसिडर करता है। तो क्या कहेंगे, फोर एंडोथर्मिक रिएक्शन, क्या कहेंगे, फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन। अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो इसके लिए अपन कैसे कर सकते हैं बच्चों, देखो एंडोथर्मिक रिएक्शन की बात करूं और मैं कर क्या रहा हूं, टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहा हूं, क्या कहा, रिएक्शन में कौन सी मान रहा हूं, एंडोथर्मिक, और मैंने टेम्परेचर को क्या किया, इंक्रीज किया है। एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए टेम्परेचर इंक्रीज होना फेवरेबल कंडीशन है या अनफेवरेबल, फेवरेबल कंडीशन है। अरे याद है ना, केमिकल इक्विलिब्रियम में लीच चेटले प्रिंसिपल की हमने बात की थी, क्या एंडोथर्मिक रिएक्शन की अगर हम बात करें तो टेम्परेचर इंक्रीज करना इसके लिए क्या है, फेवरेबल, और अगर फेवरेबल कंडीशन होती है तो इंसानों या रिएक्शन लाइफ में हमेशा किधर जाएंगे, आगे। तो क्या लिखेंगे, अगर ऐसी कंडीशन होगी तो हमें पता है बच्चों रिएक्शन कैसी होगी, फॉरवर्ड रिएक्शन, क्लियर। और अगर रिएक्शन फॉरवर्ड होगी, हमें पता है रिएक्शन फॉरवर्ड होगी तो जो आयंस है उनकी कंसेंट्रेशन इंक्रीज या डिक्रीज, अरे सीधी सी बात है, अगर रिएक्शन फॉरवर्ड होगी तो आयंस का फॉर्मेशन ज्यादा होगा या नहीं होगा, होगा बच्चों। तो क्या लिखेंगे, कंसेंट्रेशन ऑफ आयंस, कंसेंट्रेशन ऑफ आयंस क्या होगी, इंक्रीज। कंसेंट्रेशन ऑफ आयंस अगर इंक्रीज होगी तो इनका मल्टीप्लाई प्रोडक्ट यानी KSP भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। समझ में आ गया, क्लियर। इसका मतलब अगर मैं बात करूं एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए, तो एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए मेरे पास क्या रिजल्ट आ रहा है, KSP की अगर मैं बात करूं, KSP डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आ रहा है, टेम्परेचर। क्यों, जब मैंने टेम्परेचर को इंक्रीज किया है तो KSP भी क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ, ये इंक्रीज तो ये इंक्रीज, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या नहीं है, है बच्चों, क्लियर, ठीक है। अब बात करते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए, तो क्या लिखेंगे, फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन के रेस्पेक्ट में अपन बात करें तो कंडीशन सेम ले रहे हैं, मैं क्या कर रहा हूं, टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहा हूं, क्लियर। अब ये बताओ एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए टेम्परेचर इंक्रीज करना फेवरेबल है या अनफेवरेबल, अनफेवरेबल कंडीशन है बेटा, ध्यान है ना। एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन जो हीट का टेम्परेचर का लॉस करके कंप्लीट होती है, क्योंकि इनको लो टेम्परेचर चाहिए, इसका मतलब आप कर रहे हो टेम्परेचर को इंक्रीज, यानी जैसा इन्हें चाहिए उसकी अपोजिट कंडीशन है या नहीं है, है बच्चों। इसका मतलब क्या करेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए टेम्परेचर इंक्रीज करना हमें पता है कैसी कंडीशन है, अनफेवरेबल, और जब अनफेवरेबल कंडीशन होती है तो इंसान हो या रिएक्शन लाइफ में हमेशा कहां, पीछे, याद है ना। इसका मतलब कौन सी रिएक्शन होगी रे, बैकवर्ड रिएक्शन,
क्या कहा, रिएक्शन कैसी हो जाएगी, बैकवर्ड रिएक्शन। और अगर बैकवर्ड रिएक्शन होगी तो सीधी सी बात है, रिएक्शन अगर बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी तो आयन आपस में रिएक्शन करके इस इलेक्ट्रोलाइट का फॉर्मेशन करेंगे नहीं करेंगे, और जब आयन आपस में रिएक्शन करेंगे तो आयन की कंसेंट्रेशन क्या होगी, डिक्रीज होगी बच्चों। तो क्या लिखेंगे, अगर ऐसा होगा तो कंसेंट्रेशन ऑफ आयन्स, कंसेंट्रेशन ऑफ आयन्स क्या होगा, डिक्रीज होगा। और आयन की कंसेंट्रेशन डिक्रीज होगी तो सीधी सी बात है, इनकी कंसेंट्रेशन का जो प्रोडक्ट होता है, मल्टीप्लाई होता है, रिजल्ट होता है, वही तो केस भी होता है। जब ये दोनों ही आपस में डिक्रीज हो रहे हैं बेटा, तो इनका जो रिजल्ट आएगा वो भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। समझ में आया कैसे किया, क्लियर? ठीक है, तो फाइनली मैं रिजल्ट की फॉर्म में क्या लिख सकता हूं, अगर टेम्परेचर इंक्रीज किया है तो KSP क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। एक इंक्रीज तो दूसरा डिक्रीज, अपोजिट है या नहीं है? और अपोजिट के लिए मैंने हमेशा कहा था क्या रिलेशन आता है रे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या इनवर्स, इनवर्स। तो इस टाइप की रिएक्शन के लिए अपन क्या लिख सकते हैं, KSP इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। समझ में आया, क्लियर? नोट करो बेटा, छाप दो फटाफट, जल्दी करो, दोनों हाथों से नोट करो। नोट कर लिया बेटा, चलो बच्चों देखो, नॉर्मली अगर अपन बात करें, जैसे केमिकल इक्विलिब्रियम से हम बात करते हैं बेटा, देखो केमिकल इक्विलिब्रियम से अगर मैं इसे कंपेयर करूं तो आपको याद है, तो केमिकल इक्विलिब्रियम में दो चीजें हमने डिस्कस की थी, एक तो क्या था KEQ, एक था क्या बेटा, क्यू, क्लियर? ठीक है, और यहां पर हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, KSP एंड और KIN, क्लियर? अगर मैं इनको कंपेयर करूं तो बता सकते हो क्या कौन सा किसके इक्वल है बच्चों? पहली बात तो KEQ का मतलब क्या होता है रे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और Q का मतलब क्या होता है, रिएक्शन कांस्टेंट, रिएक्शन कितनी कंप्लीट हुई है, क्लियर? यहां पर बात करें KSP क्या होता है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, और KIN क्या होता है, आयनाइजेशन कांस्टेंट या आयनिक प्रोडक्ट, क्लियर? अगर इनको कंपेयर करें कौन सा किसके सिमिलर है, तो अपने देखा था इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो क्या होता है, उसकी वैल्यू फिक्स होती नहीं होती, उसकी वैल्यू फिक्स होती है, और क्यों क्या होता है, वेरिएबल होता है, रिएक्शन कितनी कंप्लीट हुई है इक्विलिब्रियम स्टेट के ऊपर, इससे पहले या उसके बाद, याद है ना, गुरुकृपा हॉस्पिटल, पुलिया पार्क, चाय की थड़ी वाली कंडीशन, याद है ना? तो क्या कहेंगे, जैसे रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फिक्स होता है और क्यू क्या होता है, वेरिएबल होता है, वैसे ही यहां अगर कंपेयर करें तो हमें पता है के आयन होता है, के आयन क्या होता है, क्यू के जैसे होता है, जैसे क्यू का मतलब होता है रिएक्शन कितनी कंप्लीट हो चुकी है, चाहे इक्विलिब्रियम स्टेट से पहले हो या इक्विलिब्रियम स्टेट के ऊपर हो या इक्विलिब्रियम स्टेट के बाद हो, वैसे ही के आयन का मतलब होता है आयन्स की कंसेंट्रेशन का प्रोडक्ट मल्टीप्लाई, चाहे वो कैसी भी कंडीशन हो, अनसैचुरेटेड हो, सैचुरेटेड हो या सुपर सैचुरेटेड हो। मैंने क्या कहा, बात समझ में आ रही है, कि आयन क्या करता है, आयन्स की कंसेंट्रेशन के प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करता है, चाहे कैसी भी कंडीशन हो, चाहे अनसैचुरेटेड हो, चाहे सैचुरेटेड, चाहे सुपर सैचुरेटेड, क्लियर? लेकिन KSP हमेशा क्या करेगा बेटा, KSP फिक्स वैल्यू होती है, पर्टिकुलर क्या करेगा, ये सैचुरेशन पॉइंट को ही रिप्रेजेंट करता है। तो मेरा कहने का मतलब क्या है, किसी स्पीसीज के लिए KSP क्या होता है, डेफिनेट होता है, जबकि KIN क्या होता है, वेरिएबल होता है। क्यों, KSP को ओनली एंड ओनली आप क्या करे हुए, सैचुरेशन की कंडीशन में ही इसे रिप्रेजेंट करोगे, जबकि KIN को सैचुरेशन से पहले या सैचुरेशन के बाद भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, यानी अनसैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड या सैचुरेटेड, तीनों में रिप्रेजेंट कर सकते हो। बस जब सैचुरेशन पॉइंट होता है तब अपन KIN को KSP से डिनोट कर देते हैं, ताकि आइडिया लग जाता है कि अब सैचुरेशन पॉइंट आ चुका है। समझ में आ गया, क्लियर? लिखो बेटा एक स्टेटमेंट, फॉर एन इलेक्ट्रोलाइट,
लिखो फॉर एन इलेक्ट्रोलाइट, फॉर एन इलेक्ट्रोलाइट Ksp इज डेफिनेट, फॉर एन इलेक्ट्रोलाइट, फॉर एन इलेक्ट्रोलाइट एक स्टेटमेंट लिखो, फॉर एन इलेक्ट्रोलाइट Ksp इज डेफिनेट, फॉर एन इलेक्ट्रोलाइट Ksp इज डेफिनेट व्हाइल Kn इज वेरिएबल, फॉर एन इलेक्ट्रोलाइट Ksp इज डेफिनेट व्हाइल Kn इज वेरिएबल। एक स्पीसीज या इलेक्ट्रोलाइट के लिए Ksp डेफिनेट होता है जबकि Kn क्या होता है बच्चों, वेरिएबल होता है। ठीक है, इसका मतलब एक फिक्स है दूसरा वेरिएबल है, उसकी वैल्यू में चेंजेस होगा, तो इन दोनों को कंपेयर कर सकते हैं नहीं कर सकते? कर सकते हैं बेटा। तो क्या कह सकते हैं बच्चों, देखो इसकी तीन कंडीशन पॉसिबल है। क्या कहेंगे, इफ Kn लेस देन Ksp, कहने का मतलब क्या है, Kn लेस देन Ksp यानी Kn की वैल्यू Ksp से कम है, दोनों का मतलब क्या होता है, आयंस की कंसंट्रेशन का मल्टीप्लाई यानी प्रोडक्ट है। ये प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा, सेचुरेशन पॉइंट पर, और ये प्रोडक्ट क्या है, Kn कम है, इसका मतलब आयन की कंसंट्रेशन अभी इतनी नहीं है कि वो सेचुरेशन पॉइंट को गेन कर सके, इसका मतलब सेचुरेशन पॉइंट से पहले ही है या नहीं है, और जब इसका मतलब अभी आयंस इलेक्ट्रोलाइट इतना आयनों में डिसोसिएट नहीं हुआ है कि वो सेचुरेशन पॉइंट को गेन कर सके, इसका मतलब अभी तो और डिसोसिएट हो सकता है, और डिसोसिएट हो सकता है मतलब और डिसॉल्व हो सकता है, मतलब कौन सी कंडीशन है, अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन वाली बेटा। तो क्या लिखेंगे, ऐसी कंडीशन क्या होगी, अगर ऐसा है तो सॉल्यूशन कैसा बनेगा, अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन। ये कंडीशन आ रही है तो सॉल्यूशन कैसा बनता है, अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन बनता है। क्लियर? ठीक है, और क्या करेगा, अगर ऐसी कंडीशन है तो सॉल्यूशन कभी प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन करेगा क्या, अरे प्रेसिपिटेट का मतलब क्या होता है, पार्टिकल का एक जगह डिपॉजिट हो जाना, एक जगह जमा हो जाना। क्लियर? लेकिन हमें पता है ये तो अनसेचुरेटेड वाली है। जैसे अंकित ने कहा था, सर मेरे को 15-20 चाहिए, आज तो 15 या 20 लूंगा, 15 तो नॉर्मल लेता हूँ, आज 20 लूंगा, तो क्या करेगा, अरे जो घर वाले जब भी चपाती रखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, अंकित क्या करेगा, उनको थाली के अंदर डिपॉजिट होने देगा क्या, नो, मैक्सिमम 1 या 2, 3, मैक्सिमम 5 सेकंड बेटा। क्लियर? क्या होगा, जैसे चपाती रखी गई, काम खत्म। इसका मतलब जब वो थाली के अंदर चपाती टिक ही नहीं सकती 5 सेकंड से ज्यादा, तो ये बताओ वो कभी प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन करेगी क्या, यानी थाली के अंदर डिपॉजिट हो सकती है क्या, जमा हो सकती है क्या, किसी भी हाल में अंकित कहेगा सर चांस ही नहीं है। बात समझ में आई क्या, इसका मतलब इस कंडीशन में कभी भी प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होगा क्या, कभी नहीं होगा बेटा। तो क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन विल नॉट प्रेसिपिटेट, सॉल्यूशन विल नॉट प्रेसिपिटेट, यानी इस कंडीशन में सॉल्यूशन कभी भी प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन नहीं करेगा। क्लियर? ठीक है, दूसरी कंडीशन हमें क्या दे सकता है बेटा, इफ Kn, Kn इक्वल टू Ksp, Kn क्या है, Ksp के इक्वल है, Kn Ksp के इक्वल है, मैंने कहा दोनों का मतलब होता है आयंस की कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट है। अब आयन की कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट किसके इक्वल आ रहा है, Ksp के इक्वल आ रहा है, मतलब Ksp मतलब सेचुरेशन पॉइंट के इक्वल आ गया है, इसका मतलब सेचुरेशन पॉइंट के इक्वल आ गया है, तो सॉल्यूशन कैसा बनेगा बेटा, सेचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, सेचुरेटेड सॉल्यूशन, इस पॉइंट पर प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होगा क्या, नहीं, यहां तक तो नहीं होगा। अरे ये तो 100 ग्राम वाली कंडीशन है, जैसे हमने समझा था कि मान लो 1 लीटर वाटर है, वो 100 ग्राम सॉल्ट को डिसॉल्व कर सकता है, तो आपने 10 ग्राम मिलाया, 20 मिलाया, 50 मिलाया, 90 मिलाया, 99 मिलाया, 100 ग्राम मिला दिया, 100 ग्राम तक प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होगा क्या, नो, यहां तक तो डिसॉल्व करने की कैपेसिटी थी, इसके बाद क्या होगा, प्रेसिपिटेशन स्टार्ट होगा। इसका मतलब क्या करेंगे, प्रेसिपिटेशन विल इनिशिएट जस्ट आफ्टर इट, इसके जस्ट बाद क्या हो जाएगा, यानी पार्टिकल एक जगह डिपॉजिट होने लग जाएंगे, क्योंकि हमें पता है इसके बाद उस सॉल्वेंट की डिसॉल्व करने की कैपेसिटी नहीं है बेटा। तो क्या लिखेंगे, प्रेसिपिटेशन, क्या कह सकते हैं अपन, प्रेसिपिटेशन विल इनिशिएट, विल इनिशिएट जस्ट आफ्टर इट, यानी इसके जस्ट आफ्टर क्या होगा, प्रेसिपिटेशन इनिशिएट होगा बेटा। क्लियर? ठीक है, एक कंडीशन हमें क्या दे सकता है, के आयन ग्रेटर देन क्या होगा, Ksp, अंकित वाली कंडीशन आ गई। इसका मतलब क्या, आयंस इतने ज्यादा क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइट इतना ज्यादा आयनों में टूट चुका है, जो क्या सेचुरेशन वाली कंडीशन से भी, उससे भी उसको क्रॉस कर चुका है बेटा। आ गया समझ में, इसका मतलब इतना ज्यादा आयंस डिसोसिएट हो गया, इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट हो गया जितना सेचुरेशन के लिए रिक्वायर्ड था, इसका मतलब सेचुरेशन से भी ज्यादा वाली कंडीशन है या नहीं है, और अगर ऐसी कंडीशन है तो क्या करेंगे, सॉल्यूशन कैसा बनेगा रे, सुपर
सैचुरेटेड सॉल्यूशन, क्या कहा, सॉल्यूशन कैसा होगा, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और हमें पता है ऐसी कंडीशन है तो प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन तो होना ही है, क्योंकि जितना मैक्सिमम डिसॉल्व कर सकता है उससे ज्यादा ऐड कर दिया, उससे ज्यादा ऐड कर दिया तो एक्स्ट्रा पार्टिकल तो एक जगह जाके डिपॉजिट होंगे नहीं होंगे, होंगे बेटा। तो क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन विल प्रेसिपिटेट, सॉल्यूशन विल प्रेसिपिटेट, ठीक है, यानी सॉल्यूशन प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन करेगा। समझ में आ गया, ध्यान रखना अंकित, ओके, नोट करो बेटा। बिल्कुल बेटा, तो जानवर नहीं है तो मेरा शेर है, ठीक है, और शेर शेर होता है, जानवर नहीं होता, बब्बर शेर है तू तो हरियाणा का, जल्दी नोट करो। नोट, अरे कर लिए क्या, उजाड़ दे, कर लिए, चलो बात करते हैं बच्चों। देखो एक हमें क्या पूछेगा बेटा, एक हमें पूछता है नेचर ऑफ प्रेसिपिटेशन, यानी आपको दो तीन टाइप के सॉल्यूशन दे देगा, तो बोलेगा किसके लिए प्रेसिपिटेशन सबसे पहले होगा, किसके लिए सबसे लास्ट में होगा। तो एक बात ध्यान रखना बच्चों, प्रेसिपिटेशन के लिए कोई डायरेक्टली कॉन्सेप्ट नहीं है, हमें पता है हमारे पर रिजल्ट आएगा किसके लिए, सॉल्युबिलिटी के लिए आएगा, और सॉल्युबिलिटी से कंपेयर करते हुए हमें प्रेसिपिटेशन का आंसर देना है। आप कहोगे सर ये कैसे पॉसिबल है, तो एक बात बताओ, जिस सॉल्यूशन के लिए सॉल्युबिलिटी जितनी ज्यादा होगी, ये बताओ वो आयंस को या इलेक्ट्रोलाइट के पार्टिकल को एक जगह डिपॉजिट होने देगा क्या, नहीं, प्रेसिपिटेट नहीं होने देगा। प्रेसिपिटेशन स्टार्ट कब होता है, जब सॉल्युबिलिटी खत्म हो जाए, डिसॉल्व होने की टेंडेंसी बंद हो जाए। इसका मतलब क्या लिखेंगे, जिस सॉल्यूशन के लिए सॉल्युबिलिटी जितनी ज्यादा, उसके पार्टिकल के एक जगह डिपॉजिट होने की टेंडेंसी उतनी ही कम, इसका मतलब प्रेसिपिटेशन के चांसेस उतने ही कम। और जिसके लिए सॉल्युबिलिटी कम होगी, तो हमें पता है पार्टिकल अगर सॉल्युबल नहीं होंगे तो एक जगह डिपॉजिट होकर प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन करेंगे नहीं करेंगे, करेंगे बच्चों। आ गया समझ में, क्लियर, तो ये कॉन्सेप्ट जरूर ध्यान रखना, क्या नेचर ऑफ प्रेसिपिटेशन। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे, नेचर ऑफ प्रेसिपिटेशन, नेचर ऑफ प्रेसिपिटेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या लिखेंगे बच्चों, सॉल्युबिलिटी, क्या कहा, नेचर ऑफ प्रेसिपिटेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी, यानी इनवर्स होते हैं, सॉल्युबिलिटी ज्यादा तो प्रेसिपिटेशन के चांसेस कम होंगे, और सॉल्युबिलिटी कम तो प्रेसिपिटेशन के चांसेस ज्यादा होंगे। बात समझ में आ गई, क्लियर, ठीक है बच्चों। चलो तो ये तो अपने बेसिकली बात की है सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट होता क्या है, इसका मीनिंग क्या होता है, क्लियर। अब बात करते हैं जब हम इसका न्यूमेरिकल पोर्शन डिस्कस करेंगे तो इसमें बार बार काम आएगा, क्या, ये तो बेसिकली हमने लिखा केएसपी होता ही क्या है, जो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं उनके आयन की कंसेंट्रेशन का प्रोडक्ट। लेकिन एक बात बताओ, जैसे हमने सिंपल सा एग्जाम्पल लिया था ए बी,
तो उसके आयन कौन से थे, A plus multiply by B minus, clear, उनका multiply जैसे हमने किया, A plus multiply by B minus, सीधा हमने लिख दिया, Ksp के equal होता है, तो ये बताओ, जितने भी electrolyte होते हैं, compound होते हैं, सभी AB type के हैं, AB का मतलब क्या, A मतलब पहले वाला cation, दूसरे वाला anion, positive और negative, कहने का मतलब क्या है बच्चों, पॉजिटिव नेगेटिव का रेशियो हमेशा 1:1 ही हो, कोई जरूरी है क्या, नहीं, ये रेशियो 1:2, 2:1, 1:3, 2:3 अलग-अलग हो सकता है, बात समझ में आ गई, क्लियर, तो डिस्कस करते हैं अलग-अलग कंडीशन के लिए Ksp और S का रिलेशन क्या आता है बच्चों, तो हेडिंग लिखो बेटा रिलेशन बिटवीन, हेडिंग लिखो रिलेशन बिटवीन Ksp एंड S फॉर डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स, यानी अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए बात करें तो Ksp S का रिलेशन क्या होता है, ठीक है, अपन कैसे करें अच्छे से समझना, क्वेश्चन में आपको ऐसे ही करना है, ओके, पहली कंडीशन में क्या ले रहा हूं बेटा, फॉर AB टाइप इलेक्ट्रोलाइट, फॉर AB टाइप इलेक्ट्रोलाइट, AB टाइप इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या है बच्चों, यानी AB का मतलब क्या है, पहले वाला पॉजिटिव दूसरे वाला नेगेटिव, यानी पॉजिटिव नेगेटिव का यहां पर रेशियो क्या है, 1:1 है, क्लियर, तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले देखो समझना अच्छे से कैसे करना है, ये जैसे AB अपना इलेक्ट्रोलाइट है, इसको अपन क्या कर रहे हैं बच्चों, इसको मैं वाटर में डिसॉल्व करूं, क्योंकि पहले आयंस में ब्रेक करना जरूरी है, तो A plus aqueous और क्या होगा ये B minus aqueous, क्लियर, ठीक है, अगर हम बात करें बच्चों at t equal to 0, t equal to 0 पर बात करें, इसकी कंसंट्रेशन को मैं ले रहा हूं S, क्योंकि हमें पता है यहां पर कंसंट्रेशन या मोलरिटी को क्या लेते हैं, S से डिनोट करते हैं, तो ये स्टार्टिंग में क्या होगा 0 और 0, क्लियर, ठीक है, अब बात करें बच्चों at t time, क्या कहा, at t time, कुछ time बाद, ये हमें पता है, इससे मतलब है क्या, नहीं, हमें मतलब किससे होता है, इसके आयंस से होता है, तो देखो ये 1 है, तो ये भी कितना है बेटा 1, इसका मतलब ये s था, तो ये कितना बनेगा, s बनेगा, ये 1 है, तो ये भी कितना है 1, तो ये s था, तो ये कितना बनेगा, s, क्लियर, ठीक है, तो अपन क्या लिख सकते हैं, इसके लिए मैं Ksp लिखूं, Ksp का कांसेप्ट हमने क्या लिखा है, जो आयंस होते हैं उनकी कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट, यानी A+ की कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई बाय B- की कंसंट्रेशन, A+ कितना है बच्चों s, B- भी कितना है s, तो फाइनली मैं क्या लिख सकता हूं, मेरे पास Ksp कितना आ गया रे, s स्क्वायर आ गया बच्चों, Ksp इक्वल टू s स्क्वायर, और s इक्वल टू कितना आ जाएगा, Ksp का अंडर रूट, क्या कहा, समझ में आया है बच्चों, यस और नो, ये तो किस कंडीशन में आया है, जब कैटायन एनायन का रेशियो कितना हो, 1:1 हो बेटा, क्लियर, तो आपके पास जितने भी कंपाउंड, कोई भी एग्जांपल आपको दे रखा हो, जैसे AgCl, NaCl, ऐसा कोई केस है जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव का रेशियो 1:1 है, उसके लिए आप डायरेक्टली लिख सकते हो Ksp इक्वल टू s स्क्वायर आएगा, क्लियर, ठीक है, दूसरा देखो बेटा समझना अच्छे से, 4 AB2 और A2B type electrolytes, मैंने क्या कहा, अब हमने compound कैसा लिया है बच्चों, AB2 या A2B types, कहने का मतलब क्या है, यहां पर cation anion का ratio क्या होगा, 1:2 या 2:1 होगा बच्चों, ठीक है, दोनों condition में result same आएगा, ध्यान रखना, चाहे 1:2 हो या 2:1 हो, क्लियर, ठीक है, तो अपन क्या लिखेंगे, जब इसकी रिएक्शन लिखेंगे, तो जैसे मान लो अपन ले रहे हैं बच्चों AB2 की अपन बात कर रहे हैं, क्लियर, AB2 की अगर अपन बात करें, तो मान लो वाटर में अपन डिसॉल्व करें, नॉर्मली इलेक्ट्रोलाइट अपना सॉलिड फॉर्म में ही हम लेते हैं, तो बच्चों देखो ये जब टूटेगा तो क्या बनाएगा, खुद की डिजिट खुद से पहले, याद है ना, अरे यहां 1 है तो कितना n बनाएगा, 1 दूसरे की डिजिट पावर में, इसको प्लस के साथ, यानी +2 हो जाएगा, और क्या करेंगे, ये b क्या बनाएगा, 2b minus और aqueous, कैसे बना रहा है, समझ में आ रहा है ना, clear, ठीक है बच्चों, अब बात करें सबसे पहले क्या लिखेंगे, at t equal to 0,
t इक्वल टू जीरो पर मैं बात करूं इसकी सॉल्युबिलिटी हम s माने तो ये स्टार्टिंग में कितना होगा जीरो और जीरो क्लियर ठीक है इसकी बात करें बच्चों एट t टाइम यानी t टाइम पर अगर हम बात करें तो ये कितना होगा हमें मतलब है क्या नहीं हमें मतलब किससे होता है आयन से तो ये क्या बनेगा s ये क्या बनेगा s सही है ना नहीं बच्चों मैंने क्या कहा था कोफिशिएंट की टर्म में करना है ये 1 मोल है तो ये कितना है 1 मोल s था तो ये s ही बनेगा ये 1 मोल है तो देखो ये कितना है बेटा 2 तो ये s है तो ये कितना होगा 2s होगा बात समझ में आ रही है क्लियर तो यहां से अपन क्या लिख सकते हैं ksp क्या होगा a plus 2 की कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई क्या करते हैं बच्चों b minus की कंसंट्रेशन और स्टोइकोमेट्री 2 है तो पावर में स्क्वायर यानी पावर 2 हो जाएगी क्लियर तो यहां से वैल्यू पुट करें तो क्या लिखेंगे ksp equal to a plus 2 की कंसंट्रेशन कितनी है बेटा s b minus कितना है रे 2s इसका क्या करना है स्क्वायर तो मेरे पास क्या आ गया s मल्टीप्लाई क्या हो गया 4s स्क्वायर क्लियर तो फाइनली अपन क्या लिख सकते हैं ksp इक्वल टू क्या हो गया 4s क्यूब हो गया बच्चों क्लियर ksp इक्वल टू 4s क्यूब और यहां से मैं क्या लिख सकता हूं s इक्वल टू ksp अपॉन ये 4 अपॉन में आएगा और यहां से पावर 3 हटाओगे तो इसकी पावर कितनी आ जाएगी 1/3 कैसे किया बच्चों समझ में आया यस और नो ये ध्यान रखना बेटा क्या रिजल्ट आ रहा है आपको रटने की जरूरत नहीं है बस तरीका समझना है ओके ये कैसे रिजल्ट आएगा पावर कितनी आएगी अपॉन में क्या आएगा ये एक ट्रिक से सारे रिजल्ट आ जाएंगे सिर्फ एक ट्रिक बताऊंगा उससे सारे रिजल्ट आ जाएंगे क्लियर बस आपको तरीका समझना है कैसे हम इक्वेशन बना रहे हैं कैसे करना है क्लियर नोट करो फटाफट क्या अंकित शेर बोला तो तूने इमोजी बैठा बैठा आते हो कैसा है ये तो चूहे का इमोजी है रे शेर का थोड़ी है तो बिल्कुल बस लड़ो मत मारपीट नहीं ऑनलाइन मारपीट करोगे चलो जल्दी नोट करो फटाफट Really not? मुकेश ने क्या लिखा है सेकंड का एग्जांपल फिर से एक्सप्लेन करना बिल्कुल बेटा करते हैं फटाफट नोट करो पहले कर लिए नोट कर लिए बच्चों कर लिए क्या चलो इस सेकंड की बात कर रहा है क्या मुकेश इसमें क्या कहेंगे बेटा देखो सेकंड में सबसे पहले क्या किया अपना इलेक्ट्रोलाइट कैसा है AB2 या
ए टू बी टाइप का, कहने का मतलब क्या है, केटायन एनायन का रेशियो कैसा होगा, 1:2 होगा या 2:1 होगा। तुम कहोगे सर कैसे, जैसे अपन कई सारे एग्जांपल लेते हैं बेटा, जैसे NgCl2 CaCl2 BaCl2 1:2 है या नहीं है, ठीक है बेटा। तो इसके अकॉर्डिंग करें तो क्या करेंगे, केटायन एनायन का रेशियो 1:2 या 2:1 होगा, क्लियर। रिजल्ट सेम आएगा दोनों कंडीशन में, चाहे रेशियो 1:2 हो या 2:1 हो। ये ऐसे तो 0:0 पहले इसको ब्रेक कर लिया, a प्लस टू और 2b माइनस, क्लियर। ये ऐसे तो 0 और 0, ठीक है। और फिर क्या करेंगे, ये s से फिर ये s बनेगा, ये 2s बनेगा बेटा, क्योंकि ये 1 है तो ये 1 है, ये 2 है तो ये डबल बनेगा, क्लियर, ठीक है। अपना वही रूल, क्या करेंगे, आयन की कंसेंट्रेशन, आयन कौन कौन से हैं, a प्लस टू की कंसेंट्रेशन और b माइनस की कंसेंट्रेशन, और इसका कोफिशियंट 2 है तो पावर में कितना आ गया, 2 आ गया, क्लियर। ये s है बेटा, देखो a प्लस टू की वैल्यू कितनी है s और b माइनस की वैल्यू कितनी है 2s, तो 2s का स्क्वायर, क्लियर, ठीक है। ये बच्चों s कर दिया और 4s स्क्वायर, और s मल्टीप्लाई बाई, देखो s स्क्वायर कितना, s क्यूब, आगे क्या है 4, तो ksp इक्वल टू 4s क्यूब, s इक्वल टू क्या आ जाएगा, ksp अपॉन 4 और 3 हटाओगे तो पावर 1/3, समझ में आ गया, यस और नो, क्लियर, ठीक है बच्चों। चलो आगे बात करते हैं, नेक्स्ट लिखो नंबर 3, नंबर 3 लिखो बच्चों, 4 4 AB3 हेडिंग लिखो, 4 AB3 और A3B टाइप इलेक्ट्रोलाइट, 4 AB3 और A3B टाइप इलेक्ट्रोलाइट, फॉर AB3 और A3B टाइप इलेक्ट्रोलाइट। अब बच्चों कहने का मतलब क्या है, केटाइन और एनायन यानी पॉजिटिव नेगेटिव का रेशियो कितना होगा रे, 1:3 या 3:1 होगा, क्लियर, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग अपन क्या कह सकते हैं, देखो बच्चों फॉर एग्जांपल आप कहोगे सर कैसे, जैसे AlCl3 अरे एल्यूमिनियम क्लोराइड, हमें पता AlCl3 Al+3 और 3Cl- 1:3 है या नहीं है, वैसा ही हमें कोई एग्जांपल दे दे 1:3 या 3:1 वाला, क्लियर। इसको कैसे करना है बच्चों, देखो तो क्या करेंगे, जैसे AB3 अपने लिया है, इसको अगर मैं वाटर में डिसोल्व करूं तो ये क्या होगा, क्या बनाएगा, ये A+3 आयन, क्लियर, अरे A+3 आयन बनेगा नहीं बनेगा, क्लियर। और प्लस क्या करेगा बेटा, एक्वस स्पीसीज है तो अपन क्या करेंगे, ठीक है, 3B- एक्वस, क्लियर, A+3 और 3B-, क्लियर। खुद की डिजिट खुद से पहले दूसरे की डिजिट पावर में, क्लियर, खुद की डिजिट खुद से पहले दूसरे की डिजिट पावर में, क्लियर, ठीक है। अपन बात करें बच्चों एट t=0, t0 पर बात करें, ये s है तो ये स्टार्टिंग में 0 और 0, क्लियर। अपन बात करें एट t टाइम यानी कुछ टाइम बाद, अगर हम बात करें तो इससे मतलब नहीं है, ये हमें पता है, देखो 1 था तो ये भी कितना है 1, तो ये s है तो ये s, ये 1 है तो ये कितना है 3, तो ये s है तो ये कितना होगा बेटा 3s, आ गया समझ में, क्लियर, ठीक है। अगर इसके लिए मैं लिखूं ksp, हमें पता क्या होता है, आयंस की कंसेंट्रेशन A+3 की कंसेंट्रेशन मल्टीप्लाई बाई B- की कंसेंट्रेशन, और इसकी पावर क्या करेंगे 3, क्लियर, ठीक है। इसकी वैल्यू पुट करो बच्चों, ये कितना है S मल्टीप्लाई बाई B- कितना है बच्चों 3S और 3S की पावर 3, क्लियर, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, S मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर 3 कितना होता है बेटा 27, तो 27 S की पावर कितना हो गया 3, क्लियर। तो KSP इज इक्वल टू फाइनली मेरे पास क्या आ गया 27 S की पावर 4, बात समझ में आ गई। और यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, S इज इक्वल टू अपन क्या करेंगे KSP अपॉन 27, ये अपॉन में आ जाएगा, और यहां से पावर 4 हटाएंगे तो इधर कितना आ जाएगा पावर 1/4, बात समझ में आ गई बच्चों, क्लियर, ठीक है। एक अपन लास्ट एग्जांपल और देखते हैं, 4 नंबर 4 देखते हैं बेटा, 4 A2B3 और A3B2 टाइप इलेक्ट्रोलाइट। मैं फिर कह रहा हूं, ये जो रिजल्ट आ रहा है रटने की जरूरत नहीं है,
ये खाली समझाने के लिए करवा रहा हूं बच्चों, क्योंकि जब आपको क्वेश्चन में करना पड़े तो आपको कैसे करना, एक ट्रिक बताऊंगा उससे सारे रिजल्ट आ जाएंगे। ओके, A2 B3 A3 B2 का मतलब क्या है? अब आपका एग्जांपल कैसा होगा जिसमें कैटायन एनायन पॉजिटिव नेगेटिव का रेशियो कितना होगा, 2:3 या 3:2 होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे अपन लिखते हैं A2O3, अरे L2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता, नहीं होता, एल्यूमिना होता है Al2O3, उसमें हमें पता है 2:3 वाली कंडीशन आती है। तो क्या लिखेंगे, फॉर एग्जाम्पल जैसे इसकी रिएक्शन लिखे तो अपना एग्जाम्पल क्या है, A2B3। क्लियर? ठीक है, अगर मैं इसे वॉटर में डिजोल्व करूं तो हमें पता है ये आयंस में ब्रेक होगा नहीं होगा, तो ये क्या बनाएगा, 2A+3 एक्वस, और क्या बनाएगा बच्चों, 3B-2 एक्वस। क्लियर? ठीक है, अपन बात करें एट t=0, t=0 पर ये अगर s हो तो ये स्टार्टिंग में जीरो हो रहे जीरो। क्लियर? ठीक है, अपन बात करें बच्चों एट t टाइम पर, यानी कुछ टाइम बाद, इसे मतलब नहीं है हमें ये कितना होगा, ये 1 है तो ये कितना, 2, ये s था तो ये 2s, ये 1 है तो ये 3, ये s है तो ये 3s। क्लियर? ठीक है, इसके लिए अगर हम लिखे ksp, हमें पता है इसके आयंस क्या है, A+3 की कंसेंट्रेशन और इसकी पावर कितनी होगी, 2 होगी। मल्टीप्लाई क्या करेंगे, B-2 की कंसेंट्रेशन, इसकी पावर कितनी होगी बच्चों, 3। क्लियर? ठीक है, A+3 ये कितना है बच्चों, 2s का स्क्वायर, मल्टीप्लाई क्या करेंगे, 3s की पावर 3। क्लियर? ठीक है, इसे अगर मैं करूं तो क्या हो जाएगा, 4s² और ये करे तो कितना हो जाएगा बेटा, 27s की पावर 3। क्लियर? ठीक है, इसे अगर अपन सोल्व करें तो क्या लिख सकते हैं, ksp=2, 27 को 4 से करें, 27 का डबल कितना होगा, 54, और इसका डबल कितना होगा बेटा, 108, और s की पावर कितनी आ जाएगी, 5। मेरे पास ये रिजल्ट आ गया फाइनली ksp और s का। क्लियर? और यहां से s की अगर हम बात करें तो ये क्या हो जाएगा, ksp/108 अपॉन में आएगा नहीं आएगा, आएगा, अपॉन क्या हो गया, 108, और इसकी पावर ये इधर आके कितना हो जाएगा, 1/5। समझ में आया कैसे किया? क्लियर? यस और नो? फिर कह रहा हूं, रटने की जरूरत नहीं है, अलग अलग रिजल्ट को बस तरीका समझना है। क्लियर? नोट करो बच्चों, फटाफट छाप दो। कर लिया बच्चों नोट? कर लिया? कर लिए? अरे बुझाने दे। कर लिया बच्चों? कर लिया? उदाहरण दे क्या?
लिया। सॉरी अंकित, तो बेटा रेड बुल भी इनके चक्र में मत रहे, तो अपने हरियाणा की लस्सी वस्सी पी, ठीक है, तो छाछ लस्सी पे चल, फायदे में रहेगा, ठीक है, वरना तेरा ये हैवी वाला फिगर खराब हो जाएगा बेटा, ध्यान रखना, ठीक है। चलो बेटा बात करते हैं बच्चों, देखो ये अपने बात ही अलग अलग टाइप के इलेक्ट्रोलाइट के लिए के एस पी एस का रिलेशन है, क्या होता है कैसे होता है, क्लियर। अब बच्चों देखो ट्रिक बताता हूं बच्चों, जो हमारे पास अलग अलग रिजल्ट आए थे वो सिंगल स्टेप में हमें कैसे करना है, क्लियर, ठीक है। क्या कहेंगे, फोर एक्स बी वाई टाइप इलेक्ट्रोलाइट, क्या कहा, फोर एक्स बी वाई टाइप इलेक्ट्रोलाइट, यानी कैसा इलेक्ट्रोलाइट है बेटा, एक्स बी वाई टाइप। एक्स बी वाई टाइप का मतलब क्या है बच्चों, इलेक्ट्रोलाइट कोई भी कंपाउंड होता है बच्चों, देखो ए और बी तो क्या है, जिनसे यानी वो एलिमेंट है जिनसे मिलकर वो कंपाउंड या इलेक्ट्रोलाइट बना है, क्लियर। ए और बी का मतलब क्या है, केटाइन और एनायन को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्लियर। एक्स और वाई क्या है, इनके नंबर ऑफ एटम या आयंस, क्लियर, ठीक है। एक्स वाई की वैल्यू क्या हो सकती है, 1, 2, 3 कुछ भी हो सकती है बच्चों, क्लियर। इसके लिए अगर हम बात करें तो क्या लिखेंगे, KSP की ट्रिक ध्यान रखना, कैसे करनी है, x की पावर x मल्टीप्लाई बाई y की पावर y मल्टीप्लाई बाई क्या करेंगे, s की पावर x प्लस y, क्या कहा, KSP क्या आएगा, x की पावर x y की पावर y और s की पावर x प्लस y, क्या कहा बच्चों, बात समझ में आई क्या, यानी x की वैल्यू होगी पावर में वही कर देना, x की पावर x, जो y होगा तो y की पावर y और s लिख देना मल्टीप्लाई में x प्लस y कर देना उसकी पावर, क्लियर। आप कहोगे सर ऐसे कैसे मान ले, तो देखना बेटा कैसे मानना है, पहला एग्जांपल अपने क्या लिया था, ए बी, क्लियर, ठीक है। एक्स और वाई की वैल्यू कितनी है बेटा, 1 और 1, तो क्या लिखेंगे, 1 की पावर 1 मल्टीप्लाई बाई 1 की पावर 1 और एस की पावर 1 प्लस 1, तो कितना आ जाएगा, एस स्क्वायर। ये रिजल्ट आया था, नहीं आया था, आया था बच्चों। सेकेंड एग्जाम्पल अपने क्या लिखा था, AB2 अगर लिखा था, x और y की वैल्यू कितनी है रे, 1 और 2, तो क्या लिखेंगे, यानी x की पावर n क्या लिखेंगे, 1 की पावर 1 और 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय s की पावर क्या लिखेंगे, 1 प्लस 2, बात समझ में आ गई, क्लियर। तो देखो 1 की पावर 1 यानी 1, 2 की पावर 2 4, s की पावर 3 यानी क्या लिखेंगे, 4s 3, बात समझ में आ गई, क्लियर, ठीक है। तीसरा एग्जांपल अपने क्या लिखा था बेटा, AB3, तो KSP इक्वल टू क्या हो जाएगा, x की वैल्यू कितनी है, 1, y की वैल्यू कितनी है, 3, x की पावर x यानी 1 की पावर 1 तो 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय s की पावर कितना हो जाएगा, 1 प्लस 3, बात समझ में आ गई। तो क्या लिखेंगे, ये कितना होगा, 27s की पावर 4, सेम रिजल्ट आया था, नहीं आया था, आया था बच्चों, ठीक है। एक एग्जांपल अपन ने क्या लिखा, AB2 A2B3 बेटा, क्लियर। A2B3 की बात करें तो KSP इक्वल टू क्या लिखेंगे, देखो x की वैल्यू कितनी है, 2, y की वैल्यू कितनी है, 3, तो क्या लिखेंगे, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय s की पावर 2 प्लस 3, बात समझ में आ गई। 2 की पावर 2 कितना, 4, 3 की पावर 3 कितना, 27, 4 और मल्टीप्लाई बाय 27 कितना हो गया बच्चों, 108 मल्टीप्लाई बाय s की पावर कितनी हो गई, 5, समझ में आया, सेम रिजल्ट आया था, नहीं आया था, आया था बच्चों, क्लियर, नोट करो। लिख लिए, कर लिया क्या, चलो इसमें बेटा एक कॉन्सेप्ट और लिखो, ये नोट लगा के अपन ऐड कर रहे हैं एक्स्ट्रा नोट में, पहली तो ये ट्रिक ध्यान रखना, एक और लिखो, इफ रेट ऑफ आयनाइजेशन ब्रैकेट में लिखो अल्फा, इफ रेट ऑफ आयनाइजेशन ब्रैकेट में लिखो अल्फा is also given, if rate of ionization bracket में लिखो alpha is also given for electrolyte,
अगर इलेक्ट्रोलाइट के लिए रेट ऑफ आयनाइजेशन यानी अल्फा भी दिया जाए तो हमें क्या करना है बच्चों, ठीक है, बाकी कुछ नहीं करना, अभी जैसे किया था सेम टू सेम एरो लगा के लिखो Ksp is equal to क्या करना, x की पावर x मल्टीप्लाई बाई y की पावर y मल्टीप्लाई बाई s की पावर x प्लस y और मल्टीप्लाई जो अल्फा दे रखा है उसकी पावर भी क्या कर देना बच्चों x प्लस y कर देना, डायरेक्टली आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। पूरा करके भी कर सकते हो, टाइम बचाना हो तो शॉर्ट एंड स्वीट में भी अपने पास आंसर आ सकता है। ठीक है, बात समझ में आई बच्चों, क्लियर, यहां तक कोई डाउट? ठीक है, तो बच्चों आज जो हमने पढ़ा है सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट और अपने क्या का फैक्टर इफेक्ट यानी अलग टाइप के इलेक्ट्रोलाइट के लिए अपने बात की Ks फिर S का रिलेशन है क्या होता है, क्लियर, इसे अच्छे से रिवाइज करना बेटा, कोई डाउट हो तो पूछना, क्लियर। कल वाले लेक्चर में अपन बात करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग टू सॉल्युबिलिटी, क्लियर, सॉल्युबिलिटी को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं और उसके अकॉर्डिंग फिर इस पे क्वेश्चन हमें कैसे पूछ सकता है, क्लियर। तो कल अपने लेक्चर में ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा, समझ में आ गया, क्लियर, ठीक है बेटा, ओके, बाकी अपन कंटिन्यू करेंगे कल वाले लेक्चर में, ठीक है, बाय।